अगर आपको साइज गेन करना है तो क्यों पड़े हो आप चक्कर में, कोई नहीं होगा आपकी टक्कर में अगर आप ये बेस्ट वर्कआउट ऐड कर लेते हैं अपने वर्कआउट के अंदर में। बहुत ही सिंपल वर्कआउट है, ना कोई सामान, इंजेक्शन गोली कैप्सूल, ना कोई सप्लीमेंट, ना ही कोई ऐसा मंत्र बनाए कि आपकी बॉडी तुरंत तैयार हो जाए। टाइम, पेशेंस, डेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंधों को पीछे की तरफ लॉक रखना है, कंधे अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो हैवी वेट है तो फिर भी चल सकता है, लेकिन लाइट वेट में नहीं। गुड अप, वन, चलो 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 चलो, तीन, वरना इंजरी होने से कोई नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल होगी ज़रूर। अगर वार्म अप और स्ट्रेचिंग करते हैं तो मसल रेडी रहती है जो उस पर प्रेशर पड़ने वाला है उसके लिए। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, और आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बड़ी फंटेस्टिक, काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, लेकिन आज मैं वर्कआउट करने वाला हूँ बाइसेप्स का। तो बाइसेप्स की अगर आपको गेन करनी है आपकी पीक, और आपको मैं हमेशा फोकस करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अगर साइज़ बढ़ाना है लीन काइंड ऑफ मसल के साथ, लेकिन आज वर्कआउट मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें आपको हैवी वेट के साथ हैवी वॉल्यूम वर्कआउट करना है लो रेपिटिशन के साथ, जिससे आपका साइज़ बढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वर्कआउट बिना टाइम वेस्ट किए, बाइसेप्स के बेस्ट 4 वर्कआउट लेते हैं टू गेन योर बाइसेप्स साइज। सो दिस इज़ फर्स्ट वर्कआउट। आपको हमेशा वर्कआउट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है करना, स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बिना वर्कआउट ना करें अगर लंबी रेस तक जाना है, मतलब आगे तक आपको भी बॉडी को मेंटेन करना है, वरना इंजरी होने से कोई नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल होगी ज़रूर। अगर वार्म अप और स्ट्रेचिंग करते हैं तो मसल रेडी रहती है जो उस पर प्रेशर पड़ने वाला है उसके लिए। तो ये है फर्स्ट सेट लाइट वेट के साथ, उसके बाद हैवी वॉल्यूम करेंगे हम। पोस्चर पूरा, बॉडी आपकी हिलनी नहीं चाहिए, बॉडी कंट्रोल में करके आपको वर्कआउट करना है। ये है सेट। अब आपको जो वेट मैं कह रहा था, हैवी वॉल्यूम वर्कआउट आपको करना है आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए। होल्ड, स्क्वीज स्लोली डाउन, वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, अपना लास्ट देना है आपको, एट। सो ये है नेक्स्ट सेट, और वेट फिर बढ़ा दिया, क्षमता चेक करनी अपनी। तीन, सो नाउ दिस इज फाइनल सेट। भाई को बुला लिया, वेट हो गया आएगा 15, 3 प्लेटें 5-5 की और एक 10 की, तो 25, 25 इंटू 50 और 10-12 किलो की ये भी है। तो लेट्स चेक, बहुत दिन हो गए। चलो, गुड अप, वन, गुड, टू, लास्ट अप, थ्री। हमेशा आप अपनी लिमिट चेक करें, लेकिन एक किसी भी प्रोफेशनल को साथ रखें, इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है जब आप हैवी वॉल्यूम वर्कआउट करते हैं, लो रेपिटेशन वर्कआउट करते हैं। पार्ट को बहुत हो जा भाई। सो अब है बारी नेक्स्ट वर्कआउट की। नेक्स्ट वर्कआउट लेना है आपको प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल के अंदर में आपको देखिए ज़्यादा हैवी के चक्कर में, एक तो अगर आप सिंगल कर रहे हैं, ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो इंजरी हो सकती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको जब करते वक्त थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत होती है। तो एक पार्टनर आप तैयार रखें जो हेल्प दे सके आपको, और जितना कर सकते हैं अपनी बियर तो चेक करें, अपनी लिमिट चेक करें। सो वन, टू,
थ्री फोर फाइव। कंधों को पीछे की तरफ लॉक रखना है। कंधे अगर इस तरीके से आ रहे तो हैवी वेट है तो फिर भी चल सकता है, लेकिन लाइट वेट में नहीं, लास्ट सेट में ओनली। लॉक रखे, अगर आपने कोई एम देख लिया ना कि मुझे वो गोल है वो अचीव करना, तो उसके लिए हार्डवर्क करना आपको पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के हासिल नहीं हो सकता, ना कोई सामान, इंजेक्शन गोली कैप्सूल, ना कोई सप्लीमेंट, ना ही कोई ऐसा मंत्र बनाए कि आपकी बॉडी तुरंत तैयार हो जाए। टाइम, पेशेंस, डेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइन के लिए। सो इसी तरीके से वर्कआउट लेना है ये वाला। इसके भी मैं चार सेट करूँगा, हैवी वॉल्यूम, वेट बढ़ाते हैं, मिलते हैं लास्ट सेट में। जैसे मैंने कहा आपको एक सपोर्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुकुल नीचे जाने दे। तीन, चलो 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 चलो, ठीक है। जब भी आप हैवी वेट वर्कआउट करें, एक सपोर्ट के लिए जरूर साथ में साथी रखें। थैंक यू। अब चेक करते हैं रेपिटेशन। जब आप हैवी वेट से कर लेते हैं, एक मसल को ना हैबिट होती है, उस टाइम वो टूटने लगती है, लेकिन उस टाइम जहाँ जो बच जाती है ना कसर, वो कसर निकालनी है। आप उसी वक्त लाइट वेट करके एक सेट ले लें, स्क्वीज, जो ये वाला सेट है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। आपने हैवी वेट से वर्कआउट किया, आपने वेट बढ़ाया, लिमिट आपकी चेक कर रहे हैं, आप रेपिटेशन ला रहे हैं चार से छः, और बड़ा टफ हो रहा है आपके लिए वर्कआउट। लेकिन उस दौरान तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जब आप हैवी वेट वर्कआउट लेते हैं, अभी जैसे मैं प्रीचर पे कर रहा था, तो हैवी वेट के साथ मुझे एक सपोर्टर की ज़रूरत पड़ रही थी, एक हेल्प देने के लिए बंदा चाहिए था जो मुझे मतलब हेल्प दे पाए, मेरे हैवी वेट में मदद कर पाए, मेरे रेपिटेशन, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा पाए। लेकिन उसके बाद जब मसल पूरी फटीक तक पहुंच जाती है, वहां आप अगर लास्ट सेट के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर पाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने किया, वेट कम किया और रेपिटेशंस को मैं 10-12 ले गया, तो वो अलग एक इम्पैक्ट देता है। आपकी मसल टूटी हुई होती है बिल्कुल, और उस वक्त हैवी वेट करके आप जब वो फुलनेस है वो आई हुई होती है, और उस वक्त अगर आप करते हैं तो ये भी एक किक करने का, मसल को जल्दी फटीक तक पहुंचाने का एक जरिया हो सकता है, बहुत अच्छा वे हो सकता है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग, और साइज में कोई कमी है नहीं। सो आप भी अप्लाई करें, लेकिन किसी हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर ले लें। ये छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स ना बड़े मायने रखते हैं, अगर ये प्रोफेशनल्स के पास ही मिलेंगे आपको। थ्योरिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रोफेशनल होना, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का मिक्सचर ब्लेंड ही एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की पहचान है। सो चलते हैं, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला वर्कआउट। सो दिस इज़ माई थर्ड वर्कआउट। अभी आपको ऑल्टरनेट डंबल कर्ल करना है। वार्म अप में ले चुका हूँ, पहला सेट ले चुका हूँ, तो मैं करता हूँ सेकेंड सेट विथ 20 kg। जब भी आप हैवी वेट के साथ हो, पोस्चर थोड़ा बहुत बिगड़ेगा ही, लेकिन फिर भी मेंटेन करने की कोशिश करें। इसके भी तीन सेट लेंगे। पहले वर्कआउट के चार सेट लिए, इनके तीन, वो लाइट वेट करके प्रीचर मैंने चौथा सेट कवर किया। इसके तीन सेट लूँगा, उसके बाद हैमर करेंगे। ये वर्कआउट जो कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट टू गेन योर साइज। अगर आपको साइज गेन करना है तो क्यों पड़े हो आप चक्कर में, कोई नहीं होगा आपके टक्कर में। अगर आप ये बेस्ट वर्कआउट ऐड कर लेते हैं अपने वर्कआउट के अंदर में, बहुत ही सिंपल वर्कआउट है, हैवी वेट के साथ करने हैं, जस्ट मेंटेन योर पोस्चर एंड डू हैवी रैप एज यू कैन, जितने आप कर सकते हैं, जो क्षमता है वो चेक कीजिए, अपनी लिमिट चेक कीजिए, मसल को तोड़िए, घर जाके अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा आराम कीजिए, आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। सो दिस इज लास्ट वर्कआउट, हैमर लेना है आपको,
लेकिन स्ट्रेट डंबल के साथ नहीं लेना है, आपको लेना है रोप के साथ, लेना है केबल पे। वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट हैमर का एक वेरिएशन है एडवांस, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा किसी की सलाह में ज़रूर करें। खुद गूगल तो बड्डे ट्रेनर मत पाको यार, और अगर आप किसी की वीडियो देख के कर रहे हैं खुद को ट्रेन, जैसे कि आप मेरी देख रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा पोस्चर फॉलो करें और सलाह फिर भी ले लें किसी हेल्थ प्रोफेशनल की। यहाँ से स्ट्रेट आपको आईज के पास लाना है, होल्ड स्क्वीज एंड स्लोली रिलीज। ये था लास्ट वर्कआउट, इसके बाद आप अपने फोरआर्म को ट्रेन कर सकते हैं। ये चार वर्कआउट जो मुझे बाइसेप्स के दिखाने थे परफेक्ट आपको साइज गेन करने के लिए, वो वर्कआउट है। 3 से 4 सेट इनके बनाए, रेपिटेशन आपके पहला 10, उसके बाद 6-8-6-8 करके मेंटेन करें आप। हैवी वॉल्यूम वर्कआउट, लो रेपिटेशन, चेक योर लिमिट टू गेन योर साइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो ब्लॉग पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।